आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड थर्ड का मराठी पाठ क्रमांक 15 कला आमसी यानी हमारी कला। ऐका म्हणा यानी सुनो और बोलो। आज वर्गात कला शिक्षणाचा तास होता। आज वर्गात मतलब क्लास में वर्क एजुकेशन का तास यानी पीरियड था। बाईंनी आवडले ते काम करायला सांगितले। बाईंनी यानी टीचर ने आवडले ते काम यानी अपने पसंद का काम करायला सांगितले यानी करने के लिए कहा। नेहा ने आप पेटी से घर बनावले। नेहा ने आग पेटी यानी माचिस की तीलियों से घर बनाई। तीसरा मैत्रिणी ने कागदासा पक्षी बनावला। तीसरा यानी उसके मैत्रिन यानी सहेलिया ने कागज का पक्षी यानी परिंदा बनाया। पक्षी आग पेटी सा घरा सा छतावर बसावला। पक्षी यानी परिंदा आग पेटी सा घरा सा यानी माचिस की तीलियों से जो घर बना था उस घर पर बसावला यानी बिठाया। वही दाने वही पक्षियों से हवा काढला। वही दाने वहीत यानी कॉपी में पक्षियांचा यानी परिंदों का झुंड थवा यानी झुंड काढला यानी बनाया। श्रीनाथ ने खराट्याचा काड्यांची छत्री बनवली। श्रीनाथ ने खराट्यांचा यानी झाड़ू देने के खराटे के काड्यांची यानी खराटे की काड़ियों से छतरी बनावली मतलब छतरी बनाई। अफजल ने फरशीवर खड़ू ने घरटे काढले। सगळे कले दंग झाले। अफजल ने फरशीवर यानी फरशी पर खड़ू ने यानी चौक से घरटे यानी घोसले काढले यानी ड्राइंग किया। सगड़े यानी सब लोग कलेत मतलब अपने काम में ड्राइंग और वर्क एजुकेशन के काम में दंग झाले यानी बिजी हो गए। पहा यानी देखो। ऐका यानी सुनो। म्हणा यानी कहो वाचा पढ़ो। पहला है घर। दूसरी फोटो में हमें दिया हुआ है घरटे यानी घोसला। तीसरी फोटो में हमें छत दी हुई है छतरी। श्रीनाथ खराटा खड़ू यानी चौक। वही यानी कॉपी। पक्षी यानी परिंदा। आग पेटी यानी मैचिस। सांगा यानी कहो। पहला है कला शिक्षणाचा तासाला तुम्ही कोण कोणत्या वस्तू तयार केल्या यानी कला यानी वर्क एजुकेशन के पीरियड में तुमने कोणती वस्तु यानी कौन कौन सी चीजें बनाई। अब अगला है तुम्हें कौन कौन सी चित्रे काढ ली यानी तुमने कौन कौन सी ड्राइंग बनाई। तीसरा है तुमसी कोणती वस्तु किंवा चित्र वर्गात सर्वांना आवडले यानी हमारी कोणती वस्तु यानी कोई चीज हमने जो बनाई वर्क एजुकेशन में या और ड्राइंग सबको पसंद कोणती वाली। इन सब सवालों के जवाब आप अपने टीचरों को दे सकते हैं।